Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the new series of BA English and the first poem we are going to discuss is Leisure. ठीक है, आज हम Leisure को discuss करने जा रहे हैं BA की series में. तो ये जो poem लिखी है वो William Henry Davies ने लिखी है, यानी writer's name is William Henry Davies. The poem Leisure is all about nature. The poet described that how modern man is not able to enjoy the beauty of nature. असल में वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि किस तरह से मॉडर्न मैन की लाइफ इतनी बिजी है कि वो नेचर को एंजॉय नहीं कर पाता. सो हियर वी गो फॉर द फर्स्ट स्टैंजा. असल में मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि ये चार स्टैंजा जो इसके हैं, इसको अगर आप पॉइंट्स को देख लें या समझ लें तो इसको मिला के लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. जैसे कि आपको पता ही है पेपर पैटर्न का कि एक क्वेश्चन आता है पॉइंट्स में से दो और साथ में रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट्स आते हैं, यानी तशरीह जिसको कहते हैं, एक्सप्लेनेशन वो आती है. तो अलग-अलग स्टैंजा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि अगर आप तशरीह में यानी एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहें वहाँ पे भी लिख सकें, और अगर मिला के लिखेंगे तो ये आपका लेयर का क्वेश्चन बन जाएगा. सो हियर वी गो. फर्स्ट स्टैंजा, लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन इज फुल ऑफ वरीज. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो पोइट है वो ये इस पॉइंट में बताना चाहता है, मेन थीम ही इसका ये है कि जो मॉडर्न मैन है ही हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. ठीक है, मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर अंडर अ शेडी ट्री. मतलब जब हम जा रहे होते हैं अक्सर रोड पे तो इर्द गिर्द जो दरख्त लगे होते हैं, मॉडर्न मैन जो है वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कम अज़ कम वहाँ पर खड़ा होकर थोड़ी देर सांस ले ले या उसको जो है वो साइड ही कर ले, कम अज़ कम देख ही ले. सो द पॉइंट wants to highlight this phenomena कि उसके पास टाइम ही नहीं है, he has no time to enjoy the beauty of nature. ठीक है, ये मेन लाइन है इसकी. अच्छा जी, थर्ड पॉइंट में वो कहता है he has no time to see animal grazing green grass from the meadows. उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो जो है वो एनिमल्स को ही सी कर सके, एनिमल्स को ही वॉच कर सके कि किस तरह से वो मीडोज से यानी चरागाहों से घास खा रहे हैं. He has no time to take rest like animals. मतलब यहाँ पे वो इतना क्रिटिसाइज कर रहा है, इतना डिग्रेड कर रहा है मॉडर्न मैन को कि वो एनिमल्स से भी बदतर हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो एनिमल्स की तरह रेस्ट कर सकें. इसकी एग्जांपल उसने उसमें दी हुई है अपने वर्सेस में कि शीप्स एंड बफलोज जो है वो स्टैंड एंड स्टेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वैसे करने का भी मॉडर्न मैन के पास टाइम नहीं है. द सेकंड स्टैंजा गोज दैट मॉडर्न मैन इज नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग. उसको अपने इर्द गिर्द के बारे में पता नहीं होता. मतलब अगर आप देखें बिजी लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन तो वो इतना मसरूफ़ होता है कि उसको ये भी अक्सर नहीं पता चलता कि कब जो है वो सूरज निकला है और कब वो सूरज गुरूब हो गया है. वो अपने कामों में ही बिजी रहता है. बर्ड सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग बट मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू एंजॉय इट. यानी मॉडर्न मैन के पास इंजॉय करने के लिए कोई टाइम नहीं है, विच इज़ द मेन लाइन ऑफ द point that modern man has no time to enjoy the beauty of nature, and this is the main point, a single main point that modern man has no time to enjoy the songs of bird who was singing in his surrounding, but he has no time to listen them. And next there is a point that in daylight man has no time to see the streams like and in the night stars like स्काई इन द नाइट. यानी इसमें वो ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता है, मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ सही से ताकि आपके जहन में बैठ जाए, कि जिस तरह से सूरज की शुआएँ आके जब स्ट्रीम यानी नदी की पानी पे पड़ती हैं तो इस तरह लगता है जैसे तारे चमक रहे हैं या लहरें जो है वो सोने की तरह लग रही होती हैं. ठीक है, तो रात को जब स्टार्स उसमें आगे फील होते हैं तो वो और भी ज़्यादा मतलब एक ब्यूटी है नेचर की जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं. और पोइट इसमें यही चीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि हमारे पास ये चीज़ें नोटिस करने का टाइम ही नहीं है. मॉडर्न मैन की जो लाइफ है वो एक रिपोर्ट की तरह बना दी गई है और वो उसके पास कोई टाइम नहीं है कि वो उसको देख सके, उसको इंजॉय कर सके, उसको इस फिनोमेना को वो इंजॉय कर सके. In third stanza, the poet describes the dancing of a girl. यानी इसमें वो एक dancing girl को describe करता है और हमें personified करता है beauty के साथ उसको, यानी कि कोई खूबसूरती हमारे सामने डांस कर रही है. and modern man has no time to see and enjoy that. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता बाल का बिजी लाइफ में अगर आप किसी बिजी पर्सन की, मॉडर्न मैन की लाइफ को नोटिस करें तो टीवी वगैरह या सॉन्ग वगैरह चल रहे होते हैं और वो मैसेजेस में या अपने मोबाइल के कामों में या किसी लैपटॉप पे या किसी जगह पे वो अपने कामों में लगा होता है, एंड ही हैज़ नो टाइम टू वॉच दैट ब्यूटी। ब्यूटी डांस एंड स्माइल प्रोवाइड्स इंजॉयमेंट। इसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्यूटी का जो डांस है उसको स्माइल प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी जो वर्सेस है उसमें उसने बताया कि उसकी आँखों से वो जो है वो शुरू होता है उसका मुस्कुराना, यानी उसकी शोखी और उसकी ब्यूटी, और फिर उसके जो है वो माउथ के ऊपर चला जाता है, यानी मुंह के ऊपर। लेकिन वही बात दोबारा से कि मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सिनेरियो या फिनोमेना। आईज सी द कैप्टेटिव साइट देन आवर हार्ट फील्स प्लेयर बट मैन हैज़ नो टाइम टू एंजॉय दिस टेम्पटेटिंग साइट्स। ठीक है जी, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आइज से हमारी तरफ आती है वो जो उसकी खुशी है और हमारे दिल में भर जाती है, लेकिन अलास के मैन के पास ये अच्छी और खूबसूरत जो फिनोमेना है इसको देखने का भी टाइम नहीं है। एंड देयर वी गो फॉर द फोर्थ स्टैंजा विच इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। इन दिस द पोएट सेज पोएट मॉन्ट्स द बिजी लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन, यानी इसमें वो उसके ऊपर मातम कर रहा है, यानी उसके ऊपर वो जैसे बहुत ही क्रिटिसाइज करते हुए इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। द लाइफ इज़ वेरी पुअर इफ़ मैन कैन नॉट स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ नेचर। वो कहता है कि ये, यानी उसने ऊपर एग्जांपल दी कि ये जो एनिमल से भी ज़्यादा बदतर लाइफ है अगर वो किसी नेचर की कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकता। तो मॉडर्न मैन शुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड अदर डिलाइट्स। तो ये हमारे हो गए चार स्टैंजा। इनको, ये पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें तो आपकी एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही रहते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये सारे पॉइंट्स जैसे जैसे एक्सप्लेन किए गए हैं ऐसे ही आपने एक एक पैराग्राफ में, यानी ये चार पैराग्राफ बन जाएंगे ना, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है इन पॉइंट्स को, ताकि ये पॉइंट्स बन जाए, मतलब पैराग्राफ बन जाए। पैराग्राफ में 8 से 12 लाइनें होती हैं, ठीक है। एंड एट द एंड आपको इसको कंक्लूड करना है, मतलब अब जो भी क्वेश्चन हो, अक्सर क्वेश्चन होता है क्रिटिसिज्म या अक्सर क्वेश्चन होता है अबाउट द नेचर या अक्सर लेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो इस तरह के पर्सोनिफाइड ऑफ ब्यूटी आ जाता है अक्सर। तो इस तरह के जो भी उसने क्वेश्चन किया हुआ है एग्जामिनर ने, आखिरी पैराग्राफ आपने खुद से उसको ये सारे को कंक्लूड करते हुए इसमें वो वाला पॉइंट ज़्यादा लिखना है। जैसे कि अगर नेचर आ जाए तो आपने लिखना है कि मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, मॉडर्न मैन इज़ टू बिजी इन हिज लाइफ, ही कैन नॉट स्टैंड एंड स्टेयर इन द मेडोज एंड ही कैन नॉट एंजॉय द डांस ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से ये सारे नेचुरल पॉइंट्स जो हैं उनको जो है वो एक्सप्लेन कर देना है, और सब में आपने वो वाला पॉइंट ज़रूर मेंशन करना है जो एग्जामिनर ने पूछा। जैसे ब्यूटी ऑफ नेचर था तो मैंने सब में ब्यूटी ऑफ नेचर वाले पॉइंट एक्सप्लेन किए। अगर वो क्रिटिसिज्म वाले करते था तो उसको उसी पॉइंट्स को क्रिटिसिज्म के लफ्ज के साथ या उस पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।